हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, आपको ये वीडियो देख के पता चल ही गया होगा कि हम निकल गए हैं फिर से कहीं और घूमने जाने के लिए। तो देखो, जैसे कि गर्मियाँ चल रही है और गर्मियों की गर्मी भाई इतनी ज़्यादा है, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो कहीं ऐसी जगह से घूम के आते हैं जहाँ पे ठंडा ठंडा मौसम हो। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं चोपता। वहाँ पे जो है 12 ही महीने जो है ठंडा रहता है, तो इसलिए हम निकल गए वहाँ घूमने जाने के लिए। और देखो, अब रास्ते में जो है पहाड़ों के रास्ते, यहाँ के नज़ारे हमेशा कितने प्यारे और कितने सुंदर दिखते हैं। एंड फाइनली अब हम पहुँच ही गए जहाँ पे हमें आना था। तो हम घर से निकल गए थे 3 या 3:30 बजे के आसपास, और यहाँ आते आते हमें रात हो गई थी, मतलब 7 या 8 ऐसे ही कुछ बज गए थे। तो अंधेरा काफ़ी हो गया था और ये जंगल के बीच में था, तो इसीलिए यहाँ पे लाइट्स वगैरह ज़्यादा थे नहीं। तो देखो, हम जहाँ पे रुकने वाले थे ये थी वहाँ की कैंटीन वाला एरिया, मतलब मान लो जहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे। तो सबसे पहले हम यहीं पे आ गए, फिर हमने उनसे हमारे कैंप, हमारे टेंट कहाँ पे है वो पूछा, क्योंकि हमें तो पता नहीं था भाई कि कौन सा टेंट खाली है और कौन से में हमें रुकना है। ओ बाप रे, यहाँ पे देख लो कितने सारे मोबाइल चार्ज पे लगे हुए हैं, वैसे हम भी बाद में लगा ही लेंगे। फिर देखो, वहाँ के एक भैया आए हमारे साथ और वो हमें हमारे टेंट की ओर लेके जा रहे थे। तो बस हम कुछ भी ना करके उनके पीछे पीछे उन्हें फॉलो कर रहे थे, क्योंकि अब रास्ता भी नहीं पता था, अंधेरा भी इतना ज़्यादा था, कुछ और कर भी नहीं सकते थे। उन्होंने हमारे बैग वगैरह पकड़े और हम देखो मोबाइल की टॉर्च की हेल्प से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अंधेरा ही इतना ज़्यादा था और वहाँ पे कहीं पे खड्डा ऐसे वगैरह ऐसी, मतलब रास्ता भी काफ़ी ऐसे अजीब सा था। उसके बाद फाइनली यहाँ पे आ ही गए और भैया ने फिर जो है इसका दरवाज़ा ओपन किया। अब दरवाज़ा मतलब ऐसे नहीं था कि हमारे घरों में जो दरवाज़ा होता है, यहाँ पे जो है वो टेंट लगा हुआ होता है और वहीं पे ऐसी चेन होती है, तो उसको खोल दी। और देखो, इन टेंट के अंदर भी कितने अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज कर खाता। वहाँ पे डबल बेड था, एक सिंगल बेड भी था और हाँ, वहाँ पे एक टेबल दिया गया था और ये काफ़ी अच्छा भी था। वैसे ना पहाड़ों में ऐसे टेंट में कैंपेन करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे जिन जिन ने किया होगा उन्हें तो पता ही होगा कि कितना अच्छा होता है। और ये देखो, यहाँ पे जो है वॉशरूम वगैरह की भी मतलब सारी फैसिलिटीज़ थी, कि मतलब हमें बाहर वगैरह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, वहीं पर अंदर ही था। और फिर उसके बाद हम सब रेडी वगैरह हो गए, फ्रेश हो गए, उसके बाद हम सीधा चले गए खाना खाने। तो खाने में था पनीर, दाल, रोटी, चावल, सैलेड। तो हमने फटाफट खाना खा लिया और आ गए यहाँ पे, थोड़ा लूडो वगैरह खेला और सीधे हम सो गए। तो हमें सुबह जल्दी उठना था, तो इसीलिए जो है मैं 5 बजे उठी थी। मैं मतलब हम सभी लोग उठ गए थे, क्योंकि यहाँ की जो है मॉर्निंग का व्यू बहुत ही सुंदर होता है, सबने बताया था। तो देखो, उठते ही मैं सीधे बाहर चली गई बाहर का व्यू देखने के लिए। मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि हम जाएंगे बाहर घूमने। देखो, हमारी सुंदर सी सुबह हो गई है पहाड़ों में और हम सुबह उठते ही हो गए सबसे पहले रेडी। और देखो, यहाँ का मौसम देखो कितना सुंदर और कितना प्यारा है। मैं ये भी क्लिप आगे आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो देखो, हम उठते ही सबसे पहले हो गए रेडी, क्योंकि अब मैं अभी और आगे जाना है और वहाँ पे ट्रैकिंग भी करनी है। तो देख सकते हो आप इतना सुंदर सा नज़ारा। और हाँ, पहाड़ों में आना तो किसे पसंद नहीं होता। मेरा तो बचपन से सपना था भाई कि मैं पहाड़ों में जाऊँ, घूमूँ फिरूँ। और देखो फाइनली, वैसे मैं बहुत सारी जगह तो घूम चुकी हूँ, पर हाँ यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ चोपता। तो देखो, यहाँ पे जो है इतनी ठंड है, अभी हम नहा धो के फ्रेश हुए हैं तो अभी ठंड थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि देखो अब सूरज भी निकल ही चुका है ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हो। तो थोड़ी थोड़ी धूप आने लग गई है, तो वैसे ठंड तो थोड़ी कम है, पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी। तो हम कल शाम को यहाँ पे आ गए थे और शाम को आते ही तो ठंड इतनी ज़्यादा लगने लग गई थी। हमने खाना वगैरह खाया, लूडो खेले और मस्त सो गए। और सुबह 5 बजे उठने के बाद फिर हम फ्रेश वगैरह होके अब हम बाहर आएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की मॉर्निंग कितनी सुंदर होती है, तो आप बस इस नज़ारे को देखो। और यहाँ पे जो है पंछियों की इतनी आवाज़ आ रही है, यहाँ पे इतना सुकून और इतनी शांति है, ऐसी जगह में मॉर्निंग तो कौन पसंद नहीं करेगा। और हाँ, ये रहा हमारा टेंट, तो यहाँ पे हम रात को रुके थे। और देख लो, मुझे तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे पंछियों की आवाज़ आ रही है और ये देखो यहाँ पे ये एनिमल्स भी थे। और इतना सुंदर, इतना प्यारा नज़ारा था, बस मुझे तो यहीं पे रहने का मन कर रहा था। आप
सब तो गर्मियों के मज़े लो, हम तो ठंड के मज़े लेंगे, पर हाँ क्या करें, 2-4 दिन बाद तो हम भी वापस वही गर्मियों में आ जाएंगे। और हाँ, जिन जिनको भी ठंडियों के मज़े लेने हैं ना, तो वो ज़रूर आओ पहाड़ों में घूमने के लिए। इस मौसम में तो बहुत सारे लोग तो आते हैं, अगर आपको भी आना है तो आप भी ज़रूर आ सकते हो। तो चलो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और मैं आगे का भी आपको ज़रूर दिखाऊँगी, तो लेट्स गो। आप ये सुंदर सा रास्ता देख लो, तो इसके अंदर जो है, मतलब हम एक तरह से जंगल के अंदर ही थे, वहाँ पे ही वो कैंपेन था और ये रास्ता था, तो यहीं से हम गए थे आगे। तो देख सकते हो आप कितना सुंदर और कितना घना जंगल है ये, और देख लो भाई जंगल के बीचों बीच उन्होंने कैंप लगा रखा है। लेकिन ऐसी एडवेंचर चीज़ें करने में तो मज़ा ही अलग सा आता है ना, तो जो जो लोग ऐसे एडवेंचर पसंद करते हैं तो वो कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन इस जगह पर आना चाहेगा। तो देख सकते हो आप कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल है ना ये नज़ारा, ले देखो। मेरे साथ वाले तो आगे चले गए, इसलिए अब मैं जल्दी जल्दी से जा रही हूँ उनके पीछे, क्योंकि वो लोग मुझे अकेले छोड़ के भाग गए भाई। अब क्या कर सकते हैं, गए हैं तो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी उनको उनके पास जाने की कोशिश कर रही हूँ। फाइनली हम पहुँच ही गए अपनी गाड़ियों की ओर। तो देखो यहाँ पे कितनी सारी कार, फोर व्हीलर, ट्रैवल सारी पार्क हो रखी है, और बाकी यहाँ से सब लोग अंदर पैदल ही गए थे उसके आगे, क्योंकि ये गाड़ियाँ नहीं जाएंगी तो इसलिए। और हाँ, ये रास्ता काफ़ी सुंदर भी है, वैसे है थोड़ा हार्ड, लेकिन ऐसी जगहों पे मज़ा तो और ही ज़्यादा आता है। तो चलो अब जो है भैया वगैरह वो चले गए हैं गाड़ी के पास और वो गाड़ी वगैरह साफ कर रहे हैं, तब तक मैं अपना वीडियो वगैरह बना के आराम से आ रही थी, अब आराम से जाके बैठ जाऊँगी। देख इसको बैठना है सनरूफ में, इसलिए देखो कैसे आगे चला गया ये। उसके बाद फिर हम निकल गए आगे की ओर, तो आगे हमें 5-6 किलोमीटर गाड़ी से ही जाना था और उसके बाद हमें करनी थी वहाँ से चढ़ाई 3-4 किलोमीटर की। तो देखो सनरूफ में इसको जाना था ना, तो इसलिए सबसे पहले ऊपर चला गया कि भाई मैं देखूँगा बाहर से। फिर उसने ये वीडियो भी शूट कर लिया था बाहर से, तो वो सनरूफ के ऊपर से तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था सारा नज़ारा। वैसे पहाड़ों के रास्ते तो आपको पता ही होंगे ऐसे बेंड बेंड होते हैं, तो उसने बोला ऊपर आ जा सनरूफ में बहुत मज़ा आ, तो मैंने कहा चलो भाई मैं भी मज़े ही लेके देखती हूँ पहाड़ों में भी सनरूफ का मज़ा ले लिया जाए। तो भाई जैसे ही मोड़ आते थे तो वहाँ पे ऐसे ना एकदम से मैं गिरने वाली थी, बट फिर भी क्या करें मज़ा तो आ रहा था, मैं भी मस्त मज़े ले रही थी। और देखो इतना प्यारा नज़ारा और इतना प्यारा व्यू दिख रहा था, जहाँ तक नज़र जा रही थी बस पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे थे, और इतना सुंदर सा व्यू दिख रहा था ना कि बस वही देखने का मन कर रहा था। वो बोलते हैं ना कि मंजिल से खूबसूरत सफ़र होता है, बस वही वही लाइन यहाँ पे फिट कर दो और कुछ नहीं। और ये देखो हम मंदिर के कम से कम 2 किलोमीटर दूर थे और वहीं से जो है गाड़ियाँ पार्क हो रखी थी, भाई साहब इतने सारे लोग घूमने आ रखे हैं। देखो अभी हमने अपनी गाड़ी जो है पार्क करा ली है, तो हमें जाना है और 1 किलोमीटर आगे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क हो रखी है कि पार्किंग के लिए जगह ही नहीं बची है यहाँ पे, तो हम जो है मंदिर से 1 किलोमीटर पीछे जाके हमने अपनी गाड़ी पार्क की है और वहाँ से अब हम जा रहे हैं आगे। और जब हम मंदिर के गेट के पास पहुँचेंगे तो वहाँ से भी और हमें ऊपर चढ़ना है 3-4 किलोमीटर शायद, तो अभी हमारा पूरा ट्रैक बचा हुआ है, तो हम जा रहे हैं बस आगे। तो चलो अब आप भी मेरे साथ, दिखाती हूँ आपको भी मंदिर का मेन गेट। यहाँ पे भी देख लो कितनी ज़्यादा भीड़। तो अब हम यहाँ पे जो है इस वाले मैगी पॉइंट पे खाएंगे मैगी, ये रही हमारी पहाड़ों वाली मैगी जो अब हम खाने वाले हैं। हमने गर्मा गर्म सी मैगी के मज़े लिए यहाँ पे बैठ के, काफ़ी अच्छी बनी थी मैगी, हम वहाँ से कुछ खा के नहीं आए थे तो इसलिए यहाँ पे आए, मैगी मंगाई, मैगी खा ली, चाय वगैरह पी ली, और अब हम यहाँ से चलते हैं ऊपर ट्रैकिंग के लिए। तो बस मंदिर की घंटी बजा के आ गए आगे, और ये रहा तुंगनाथ मंदिर का इतिहास। तो यहाँ पे हर मंदिर में आप कहीं भी चले जाओ वहाँ पे वहाँ का इतिहास का बोर्ड लगा ही होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है चोपता तुंगनाथ का जो है ये ट्रैक का मैप लगा हुआ था, जिसमें आपको मतलब जहाँ से जो भी जाना है पहाड़ के ऊपर का पूरा रास्ता और पूरा इंट्रोडक्शन वहाँ पे दे रखा था। उसके साथ साथ ही यहाँ पे केदारनाथ का भी मैप लगा हुआ था और वहाँ की भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। उसके बाद हम जैसे ही सामने आए यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था और वहाँ पे लिखा था कि प्लास्टिक बोतल रैपर जो भी आप ऊपर लेके जाते हो विदाउट स्टिकर तो आपके ऊपर 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो फिर हम भी आ गए, हमारे पास बॉटल्स थी तो उस पर स्टिकर लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये इसीलिए कर रहे थे क्योंकि जो है ऊपर लोग जो है पहाड़ों पर रैपर्स बॉटल्स वगैरह फेंक देते हैं खाली होने के बाद में, तो इसीलिए इनका ये आइडिया था कि ये लोग 10 रुपये का स्टिकर लगा के देंगे और जब हम ऊपर से वापस आएंगे तो वो रैपर बॉटल जो भी था जिस पर भी स्टिकर लगा हुआ है वो उन्हें वापस देना है और वो हमारे 10 रुपये हमें वापस देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया लगा मुझे।
तो देखो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ गए और यहाँ पे जो है ऐसे बोर्ड्स लगे हुए थे, तो जो भी पहाड़ों में एनिमल्स फूल्स वगैरह जो पाए जाते हैं ना, तो उनकी इन्फॉर्मेशन, अब जो लोग बाहर से आए उन्हें तो नहीं पता ना कि कौन से एनिमल्स होते हैं, कौन से फ्लावर्स होते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो है बुरांस का फूल सबसे फेमस है, आप जहाँ भी जाओगे तो बुरांस का जूस यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे ही हम आगे आए तो यहाँ पे घोड़े वगैरह थे, तो जिन जिन लोगों को घोड़े पे जाना होता है तो वो तो जाते ही है, तो इसीलिए उनका मतलब यहाँ पे ऐसे काउंटर था। सारे लोग जो है वो घोड़ों पे बैठ के आ रहे हैं और यही वो लोग हैं जो रील्स पे इंस्टाग्राम पे लाइक करते हैं कि सेव एनिमल्स, और देखो खुद ही एनिमल्स पे बैठ के जा रहे हैं। अरे भाई, भगवान ने पैर दिए, उनके भरोसे जाओ, क्यों उनको परेशान भी कर रहे हो। घूमने आए हो तो खुद घूमो। अभी हम लोग बहुत थक गए, तो मैं और दद्दू सर और दादा हम लोग यहाँ पे बैठ के कर रहे आराम। चलो फाइनली अब यहाँ से उठ के हम जा रहे हैं आगे के लिए। भी देख लो यहाँ पे पूरा रास्ता मतलब ऊपर तक ऐसे ही है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। तुंगनाथ जो है वो यहाँ का मतलब सबसे ऊंचा ट्रैक भी माना जाता है उत्तराखंड का। और देखो ऊपर आते ही ये इतना सुंदर सा नज़ारा था। और बस अब हम चलते हैं और आगे, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रैक बचा हुआ है हमारा। यहाँ तक तो फिर भी रास्ता ठीक था, यहाँ से तो हमें चढ़ना है सीधा ये पहाड़। तो चलो नो ऑप्शन, चढ़ते हैं अब पहाड़ पे। अजीब सा रास्ता है, फिसल गए तो सीधा नीचे। भाई ये देखो मेरा भाई थक गया यार, बैठ गया बेचारा, क्या करे, पहाड़ चढ़ना है पूरा का पूरा। भाई साहब कैसे चढ़ेंगे पता नहीं। चलो चलते हैं गाइस। आपको कैसा लग रहा है भाई पहाड़ चढ़ के? भाई बोल रहा है मर गया ये तो, पर कोई नहीं, चढ़ना तो है हमें। उसके बाद ऊपर से एक भैया जो है वो नीचे आ रहे थे, तो दद्दू उनसे पूछने लगा कि आपको कैसे लगा ऊपर जाके, मज़ा आया जो भी है। तो फिर वो अपना एक्सपीरियंस बताने लगे दद्दू को। जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, यहाँ से जाएगा पैर थकेंगे, क्योंकि कहीं इतना रखना पड़ता है, कहीं इतना रखना पड़ता है, कितना अंदर होगा, रुकेगा, रुकने के बाद पूरा शरीर गर्म हो रहेगा, वो ठंडा हो जाएगा, फिर चलेगा, फिर गर्म होगा, फिर रुकेगा, वहाँ स्टेप बनते रहेंगे, चलता रहेगा आसानी से, बेस्ट रहेगा। हम जाते टाइम वहीं से गए थे, डेढ़ घंटे में चढ़ गए थे इधर से। हाँ ट्रैक से नहीं, पानी है भाई, मजा आया वैसे ट्रैक में। हाँ बिल्कुल, चलो बाय, थैंक यू। कहाँ पे रहे हो? मैं तो भाई हरियाणा। अच्छा हरियाणा से ही है भैया। चलो ये भैया तो आ गए थे ऊपर से चढ़ाई करके, वो तो अब नीचे भी चले जाएंगे बहुत जल्दी, पर हमें तो अभी पूरा ऊपर मंदिर तक जाना है। हम शायद आधे रास्ते तक पहुंच गए थे और आधे रास्ते तक जाना बाकी था। उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया था कि शॉर्टकट से मत जाओ, सीधे रास्ते से जाओ, बट अब हमारे भैया लोग यहीं से गए थे तो फिर हम भी यहीं से आ गए ऊपर। और देखो बहुत सारे लोग जो है हेलीकॉप्टर से भी जा रहे थे, अब ये लोग जो है केदारनाथ जा रहे थे, तो चलो उन्हें अपने मंजिल की ओर जाने दो, हम अपनी मंजिल पे फोकस करते हैं। और ये देखो फिर फाइनली हम मतलब ऊपर आ ही गए थे। अब देखो दद्दू भी बेचारा थक गया था ऊपर चढ़ते चढ़ते, मैं भी बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। और ये देखो मतलब सूरज भी ऐसे तेज़ धूप हो रही थी, तो थोड़ा गर्म भी लग रहा था यहाँ पे। वैसे पानी पीते पीते उठते बैठते हम थोड़ा ऊपर जल्दी जल्दी पहुँच ही गए। और देखो यहाँ पे जो है एक कुत्ता भी था, काला काला एकदम सा, और दद्दू मुझे बताने लगा कि देखो यहाँ पे एक डॉगी भी है, तो मैं भी चली गई उसको फटाफट से देखने के लिए। तो यहाँ पे एक मैगी पॉइंट था, अब जिन जिन को भूख वगैरह लगती है तो वो लोग रास्ते में ऐसे मैगी पॉइंट्स वगैरह थे, तो जहाँ पे नाश्ता वगैरह कर रहे थे, तो यहाँ पे दो दो डॉगीज थे भाई, और काले काले एकदम बेचारे, वो भी आराम कर रहे थे। अब उन्हें अपना आराम करने दो, हम अपने ट्रैक की ओर चलते हैं। चलिए अब हम थोड़ा टॉप पे आ गए थे, तो यहाँ से मंदिर एक या डेढ़ ही किलोमीटर की दूरी पे था। यहाँ से भी इतना प्यारा था कि हम यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाने लगे। और फिर देखो यहाँ से हमने फिर से एक और शॉर्टकट्स ले लिया, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत धीरे धीरे से और आराम आराम से हम ऊपर चढ़ रहे थे। यहाँ पे जगह जगह पे जो है पत्थरों से ऐसी बिल्डिंग टाइप बना रखी है, तो यहाँ पे मानना है कि तुंगनाथ में आके जो भी ऐसे पत्थरों से जो है एक के ऊपर एक बिल्डिंग जैसे बनाते हैं, तो माना जाता है कि उनका घर बनाने की जो इच्छा होती है ना वो पूरी होती है। तो चलो हम भी अपना घर बनाने के लिए यहाँ पे ट्राई करते हैं। वाला जो है ये मैंने बनाया है, तो देखते हैं कि अब ये मेरी विश कब पूरी होती है। सो आई होप जल्दी हो जाए।
उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए मंदिर के बिल्कुल पास ही, और हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग अभी भी आ ही रहे थे और हमसे आगे भी बहुत सारे लोग थे जो हमसे पहले पहुंच चुके थे। तो देखो फिर हम यहाँ पे आए, ऊपर आते ही हमने सबसे पहले इस दुकान से ले ली प्रसाद। तो यहाँ पे काफ़ी सारी प्रसाद थे, तो यहाँ पे दद्दू था लाइन में लगा हुआ, तो इसने यहाँ से प्रसाद ले ली। फिर था ये यहाँ का एक गेट था, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग थे। उसके बाद हम लोग बहुत लंबी सी लाइन में लगे हुए थे, तो हमसे आगे भी बहुत लोग थे, हमारे पीछे भी बहुत लोग थे, और हम एकदम ऐसे बीचों बीच में थे। तो यहाँ पे जो है टाइमिंग होती है वैसे मंदिर की, तो सुबह खुल जाता है और दोपहर में ये आधे घंटे के लिए बंद हो जाता है। तो फिर हमने यहाँ पे शूज़ वगैरह निकाल लिए, दद्दू ने, मैंने वगैरह सभी ने शूज़ निकाल लिए, और फाइनली थोड़ा धीरे 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 करके हम फाइनली पहुँच गए मंदिर के बिल्कुल मेन वाले गेट के पास। तो यहाँ से अंदर जाते ही मुझे लगा कि शायद अब हम सीधे अंदर जाएंगे, पर नहीं, अंदर भी बहुत लंबी लाइन थी मंदिर के पास जाने के लिए। तो यहाँ पे जो है बहुत सिस्टमैटिक सा काम चल रहा था कि लाइन बाय लाइन, मतलब एक 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 करके ऐसे पूजा करने जा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा भी था, मतलब कि कोई भीड़ भाड़ नहीं हो रही थी। इस मंदिर में आने के लिए दो रास्ते थे, तो ये था आगे का रास्ता, ये जो गेट बना हुआ है ये मेन एंट्रेंस है मतलब आगे से, और हम जहाँ से आए हैं वो पीछे वाला रास्ता था, तो मतलब लाइन वहीं से लगी थी, तो इसीलिए हम वहीं से आ गए। और हाँ, जब भी आप यहाँ पे आओ तो एक बात याद रखना कि यहाँ पे जो है 12 से 1 बजे के बीच में ये इस मंदिर के द्वार जो है वो बंद हो जाते हैं। चलो अब बातें तो बहुत हो गई, अब करते हैं मंदिर के प्यारे से दर्शन। है ना मंदिर बहुत सुंदर और बहुत प्यारा। तो यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है लोगों की, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। ऐसे माना जाता है कि यहाँ पे आके आपकी सारी ही मन्नतें पूरी हो जाती है। और देखो अभी अभी यहाँ पे आरती भी हुई थी, क्योंकि अभी जो है यहाँ के द्वार जो है वो आधे घंटे के लिए बंद हो जाएंगे, तो उन्होंने आरती वगैरह करके फिर सबको वो आरती दे रहे थे। तो बहुत सारे भक्त लोग थे जो कि अब यहाँ पे वेट कर रहे थे मंदिर के द्वार खुलने का, क्योंकि अभी जो है वो आधे घंटे के लिए द्वार बंद हो चुके थे। और देखो अब ये सब लोग भी जाके दर्शन करेंगे भगवान जी के। तो जब तक ये लोग दर्शन कर रहे हैं, हम बाहर के व्यू का मज़ा लेते हैं। अब देखो मैं कितना भी आपको बोलूं कि यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, पर जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखोगे तो आप वो फील नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो हम कैमरे में देखते हैं और जो हम रियलिटी में देखते हैं ना, तो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो जब आप यहाँ पे आओगे और जब खुद देखोगे, खुद महसूस करोगे, तब आपको पता चलेगा। आ गए हैं वापस अब ऊपर से नीचे, तो मंदिर थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था पर अब खुल गया है। काफी सारे लोग अब हमें पूछ रहे हैं कि और कितना बचा है हमारा, कितना रह रखा है, तो बस उन्हें बता रहे हैं कि अब तो थोड़ा सा ही बचा है आप लोगों का जाते टाइम। तो भाई सबको यही लगता है कि भाई और कितना दूर है, कितना दूर है, पर आते टाइम जो है बिल्कुल समझ में नहीं आता कि हम कैसे उतर गए। जाते टाइम हमें 3 घंटे लगे थे और उतरने में बस 1 घंटा लगेगा शायद से। तो बस लेकिन जो है ना, ऊपर जाने के बाद जो मज़ा है, जो फील है और जो व्यू है, उसी का तो सारा मज़ा है। तो बस आप भी आइए, इंजॉय करिए। थैंक यू। हे चकोर, हाय 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 कर दो, हाय। छोटी सी बच्ची मिली थी इंदौर की, जिसका नाम था चकोर। भाई इतने छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, और आप कब आ रहे हो जरूर बताना हमें, जब आप आओ यहाँ का प्लान बनाओ। चलो अब हम आ चुके हैं, दर्शन वगैरह सब कुछ करके नाश्ता वगैरह भी कर लिया हमने, पर हाँ थोड़ी जल्दी थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी। सो अब देखो यहाँ से हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की ओर, हमारी गाड़ी उधर आगे पार्क हो रखी है, तो बस अब आगे चलते हैं। फाइनली पहुंच गए हमारी गाड़ी के पास। तो ये रही हमारी गाड़ी, और अभी सर बैठ चुके हैं गाड़ी में, और अभी गाड़ी निकलेगी बाहर, हम बैठेंगे गाड़ी में और जाएंगे सीधा अपनी मंजिल की ओर। सो लेट्स गो।
तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर। प्लीज़ यार एक लाइक तो दे ही देना। और हाँ, अपने प्लान्स भी बताना कि आप लोग कब आ रहे हो इधर घूमने। थैंक यू।